उन्होंने ये भी कहा, घायलों के साथ मेरी पूरी संवेदना है। बाबा सूरजपाल ने सरकार से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपको बता दें, हादसे के बाद बाबा सूरजपाल का ये बयान सामने आया है। तो हादसे के बाद पहली बार कोई स्टेटमेंट दी है बाबा सूरजपाल ने, और स्टेटमेंट में क्या कहा है वो बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं कि 2 तारीख को हुई घटना से मैं दुखी हूं, ये उन्होंने कहा। उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, शासन पर भरोसा बनाए रखें, घायलों के साथ मेरी पूरी संवेदना है और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये बड़ी बातें अपने स्टेटमेंट में कही है बाबा सूरजपाल ने। तो सरकार निष्पक्ष रूप से जांच करें, शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, ये सभी बातें अपने बयान में कही हैं बाबा सूरजपाल ने। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन मन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सदमति और सदबुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। तो सुना आपने बाबा सूरजपाल को। हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला हथरस से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही सुमित शर्मा भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार एक तरफ तो एसआईटी जांच कर रही है, एक तरफ तो तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ पहली बार कैमरे पर आए बाबा सूरजपाल, क्या मायने उनके बयान के निकाले जाए, उनकी लोकेशन को लेकर कोई जानकारी मिल पाई हो हिमांशु? बिल्कुल शीनम, देखिए 4 दिन बाद बाबा को याद आया कि संवेदनाएं प्रकट करनी है, 4 दिन बाद बाबा को याद आया है कि जो लोग मरे हैं उनके प्रति शोक व्यक्त करना है, 4 दिन बाद बाबा को याद आ रहा है कि वो दुख की इस घड़ी में उन परिवार के साथ हैं, और 4 दिन बाद बाबा को याद आ रहा है कि वो जो बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं, जिनकी किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपनी पत्नी को खोया है, उनके प्रति शोक संवेदनाएं 4 दिन बाद याद आ रही हैं। देखिए मायने बहुत हैं इस बयान के, और एपी सिंह जब से एंट्री लेते हैं उसके बाद एपी सिंह लगातार बयान दे रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं। आज तक बाबा ने कभी मीडिया को इन्वाइट नहीं किया, आज तक बाबा ने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज तक बाबा ने अपने कार्यक्रम में कभी मीडिया कवरेज के लिए नहीं बुलाया, और अब एकाएक जब ये घटना होती है, 4 दिन बाद बाबा की संवेदनाएं जागती हैं, 4 दिन बाद बाबा को मीडिया की याद आती है, तो जाहिर तौर पे इससे बहुत चीजें स्पष्ट होती हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से बाबा का बयान आया है, और इससे कुछ घंटे पूर्व मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार हो जाता है। मधुकर बहुत क्लोज एड में से बाबा का एक है, और जिसने कार्यक्रम का आयोजन कराया था, मुख्य आयोजनकर्ता था, एफआईआर में उसका नाम है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिली और लगातार दबिश दी जा रही थी,
जो बाबा से जुड़े नजदीकी लोग थे, उनके क्लोजेट थे, उनके यहाँ रेड की गई, परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद ये तमाम चीजें अब आपको और हमको दिखाई देने लगी कि मधुकर गिरफ्तार हो गया, मधुकर ने अपने आप को आत्मसमर्पण किया है। ये चीजें स्पष्ट होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन एपी सिंह ने अपने बयान में ये जरूर कहा है कि जो ये गिरफ्तारी हुई है ये गिरफ्तारी नहीं है, आत्मसमर्पण किया है पुलिस को ताकि जांच में सहयोग हो सके। चार दिन बाद जांच में सहयोग की याद आई है, चार दिन तक कहां भागे बिल्कुल रहे, एपी सिंह ने जो बयान दिया उसके बाद ही ये चीजें हम देख रहे हैं कि अब जोर पकड़ने लगी है। हिमांशु आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिली है, हाथरस पुलिस ने उसे दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार किया। सत्संग में हुए हादसे के बाद वो फरार था और पुलिस ने मधुकर पर 1,00,000 का इनाम भी रखा था। सत्संग का मुख्य आयोजक था मधुकर, जिसे गिरफ्तार पुलिस ने किया है। दिल्ली के उत्तम नगर से ये गिरफ्तारी हुई है, जबकि एपी सिंह का जो बयान आया वो कुछ और ही कहता है। सुमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाथरस से। सुमित, एपी सिंह का बयान जो आया, एपी सिंह कहते हैं कि सरेंडर किया गया, खुद आत्मसमर्पण किया मधुकर ने, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का ये दावा कि उसकी गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो वकील है एपी सिंह, एपी सिंह ने कल एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में साफ तौर से एपी सिंह कहते आ रहे हैं कि मैंने अपना वायदा पूरा किया है, हमने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन नहीं डाली है, हमने पुलिस को सूचना दी है, एसटीएफ को सूचना दी है और हमने एसटीएफ को मधुकर को सपोर्ट किया है। मधुकर की स्थिति ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका उपचार चल रहा था। जैसे ही अस्पताल में डॉक्टरों ने एक सर्टिफिकेट जारी किया जिसमें उनको स्वस्थ बताया गया है, उसके बाद से ही हमने जो है एसटीएफ को और एसआईटी की टीम को, पुलिस को मधुकर को सौंप दिया है। बल्कि वहीं आपस पुलिस का इस पूरे मामले में एक दावा है सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, और न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को, करोड़ दर्शकों को ये बात बता रहा है कि हाथरस पुलिस ने कई दिनों से इस पूरे मामले में कई नंबरों को लिसनिंग पर लिया था, कई सीडीआर खगा ली थी और लगातार कई टीमें हाथरस पुलिस की इस पूरे मामले को लेकर दबिश दे रही थी। उत्तर प्रदेश के बाहर कई प्रदेशों में, कई जनपदों में, वहीं कल हाथरस पुलिस ने दिल्ली के कई इलाके में इस पूरे मामले को लेकर दबिश दी है। वहीं दिल्ली के नजफगढ़ के पास से मधुकर को गिरफ्तार किया है हाथरस पुलिस ने, और देर रात को मधुकर को हाथरस में लाया गया है। वहां अभी मधुकर से पूछताछ हो रही है, पुलिस के मन में कई सवाल हैं मधुकर को लेके, पूरे कार्यक्रम को लेके, कि आखिर मधुकर बाबा के सबसे करीबी सेवादारों में से बताए जाते हैं और मधुकर ने ही पूरा कार्यक्रम आयोजन किया था, पूरे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मधुकर थे। मधुकर से तमाम सवाल हैं पुलिस को जो पूछने हैं इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और आने वाले वक्त में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। सुमित, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हाथरस हादसे की जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है और आज हाथरस जाएगा ये आयोग, जांच शुरू करेगा। आयोग घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगा। आयोग की टीम सुबह 11 बजे हाथरस पहुंचेगी, 12 बजे तक टीम डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों से बातचीत करेगी, पूरी घटना के बारे में जानकारी लेगी। दोपहर 1 बजे टीम घटनास्थल पर जाएगी और दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक निरीक्षण करेगी। शाम 6 बजे से 8 बजे तक एडीजी आगरा जोन, कमिश्नर अलीगढ़, आईजी अलीगढ़ रेंज समेत अन्य ऑफिसर से मुलाकात होगी, दस्तावेजों की जांच की जाएगी और न्यायिक आयोग के सदस्य घायलों से भी मुलाकात कर पूछताछ करेंगे। न्यायिक आयोग घटना से जुड़े अहम सबूतों की भी जांच करेगा। जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है। हाथरस कांड की जांच के लिए 2 महीने का वक्त इस आयोग को दिया गया है।